देखो स्नो माउंटेन, वाओ। रोड देखो कितनी जबरदस्त है। ये देखो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे किसी को बैठे नहीं देखा यार। ऐसी शानदार सी बारिश के साथ देखो ऊपर से कैसे पानी आ रहेगा। अपने फ्रेश किन्नू का जूस निकाल के देगा भाई। हे वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइज। एंड आज मैं निकल रहा हूँ नीचे की दुनिया में। देखो ऊपर की दुनिया यानी पहाड़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे, और मैं सोनमर्ग क्रॉस करके कहीं रुका हुआ था एंड काफी ठीक ठाक सा स्टे था, ज्यादा तो बढ़िया नहीं था। जो अरेंजमेंट हो मिल जाता है ना जगह ठीक है। अभी क्या विंटर टाइम है तो ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं रुकने के लिए, और अभी टाइम आ गया है निकलने का कि साउथ वगैरह जो इंडिया का बाकी का पार्ट है वो एक्सप्लोर करेंगे। एवरीबॉडी अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखो यहाँ से सारी चीजें दूर दूर है, हम इतना दूर चल के आ चुके हैं। ये देखो स्नो माउंटेन, वाओ क्या सही लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है जम्मू का एंड फाइनली भाई अब तसल्ली से आगे जाऊंगा। गाइस लुक एट दिस, इधर आपको ना मतलब सीआरपीएफ के जमाने से रोड पे खड़े मिल जाएंगे, और आसपास के नजारे देखो कितने शानदार नजारे हैं भाई। फोगी फोगी होने के बाद में ये जो पेड़ वेड़ पॉपुलर के हैं ये बड़े शानदार लगते हैं। सो परांठा ऑर्डर किया साथ में चाय, ये तो अपना डेली का रूटीन है, परांठे बगैर जीवन नहीं चलता अपना। गाइस इधर बारिश आने लग गए, इट मींस जो हाई पासेज है उधर तो स्नोफॉल ही होने लग गया होगा। यार रोड देखो कितनी जबरदस्त है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, बहुत ही शानदार रोड है। एक लोकल स्टोर से हम ले रहे हैं कुछ, ये अखरोट लिए मैंने, एक किलो ले रहा हूँ। ये डल लेक में होता है? डल लेक में ही होता है। क्या नाम बताया इसका? नदरू। ये कोई नदरू है, ये डल लेक में होता है भाई, ये जो बिक रहा है यहाँ पे। तो एवरीबॉडी ये आ गए टनल, एंड इस टनल के बाद में ये वाला जो वेदर है ना इधर वाला, ये उधर नहीं मिलेगा। ये देखो वेदर देखो कैसे बदल गया, मैंने बोला था उधर फॉग है इधर फॉग नहीं होगा, और नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है। एक बैट लिया है यार, जबरदस्ती लगे कुछ ये टोल प्लाजा क्रॉस करते ही, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे मैं, चलो यार खरीद लेते। वैसे क्रिकेट तो मैं लास्ट खेले हुए याद ही नहीं कब खेला था। अभी 220 किलोमीटर बड़ा पठानकोट, तो 220 किलोमीटर ट्रैफिक भी बहुत रहेगा, रोड भी बहुत गंदी मिलेगी, बस ये थोड़ी सी की अच्छी। ट्रैफिक शुरू हो चुका है, तो एक ही कोई बाइकर आ रहा है। ये देखो इतना साउंड कर रहा है भाई, एक्स्ट्रा ओवर एग्जॉस्ट लगा के टनल के अंदर हॉर्न देना और ऐसे एक जोश रेस देना ये गलत बात है। नाम है चनाब, जो हमें कश्मीर के साइड में श्रीनगर में मिलती है वो है झेलम, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने जैकेट वगैरह सब उतार दिए, वेदर भी ठीक ठाक सही है, इतना ठंडा नहीं है इधर, प्लीजेंट सही है अपने को तो, मतलब इतनी ठंड के बाद में ये बहुत नॉर्मल लग रहा है। 2% देखो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे किसी को बैठे नहीं देखा यार, डिग्गी में बैठे और टांगे लटका रखे नीचे, और गाड़ी ड्राइवर इतना तेज भगा रहा है सीरियसली। जो आगे टर्न आ रहा है ना ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है माँ वैष्णो माता के मंदिर में, कटरा नाम की जगह है ये। मैं टी शर्ट में आ गया हूँ, गर्मी बहुत हो गई यार इधर अगेन। गजब, ऐसे दिन ही हो गया, मेरा गोप्रो इतनी सही क्वालिटी दे रहा है ना रात के टाइम पे भी। ऐसी शानदार सी बारिश के साथ में मेरी एंट्री हो चुकी है जम्मू में। पता नहीं कैसे गाड़ियां खड़ी है, हम भी खड़े हैं वेट कर रहे हैं, टाइम हो गया 9 बज गए हैं। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है पठानकोट। मेरा प्लान अभी ये है कि मैं कोई अच्छे से बढ़िया से रेस्टोरेंट आएगा ना, ढाबा टाइप कुछ आएगा, तो वहां से खाना खाऊंगा पहले, एंड फिर रात में ड्राइव करूंगा जब तक मुझे पॉसिबल लगेगा भाई, जहां मेरे को होटल मिल गया वहां रह लूंगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे ढाबे होते हैं वहाँ हम गाड़ी के अंदर ही सो जाएंगे। आज फिर से डला रहे हैं डीजल, गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या जम्मू के बाद में पंजाब का थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, ठीक है जहाँ तक सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं, उसके बाद में कोई खाने पीने के ऑप्शन देखेंगे एंड देखते हैं पठानकोट रुकेंगे या फिर अमृतसर के आसपास, जो भी होगा देख लेंगे। अभी टाइम करीब 9:30 हो गए हैं, टाइम तो काफी हो गया। एवरीबडी बारिश आने लग गई है यहाँ भी, जस्ट पेट्रोल पंप से तेल तो डलवा के थोड़ा सा स्टोरीज वगैरह अपलोड करने लग गया था। डिनर हो रहा है अपना लखनपुर बॉर्डर, ये आगे जे एंड के का बॉर्डर है, इधर तो है कश्मीर और उधर है पंजाब, और बॉर्डर पे ही आज स्टे करेंगे, तो इधर खाना थोड़ा सा देसी खाना खा रहे हैं ढाबे पे बैठ के तसल्ली से। हाँ आज रुक रहा हूँ उधर, वो आगे मेन हाईवे यहाँ गाड़ी रोक दी है, एंड ये अपना स्टे है इसके अंदर, बढ़िया स्टे है, अच्छा मिल गया, बुरा नहीं है, नाइट के लिए अच्छा है।
कल ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की जर्नी करनी है, बहुत लंबा रूट हो जाएगा कल। बड़ी मॉर्निंग में देखो बारिश हो रही है और मुझे रेडी होते होते 8 बज गए हैं। अच्छी खासी बारिश आ रही है, आप देख सकते हो। इधर इतनी ज्यादा भी ठंड नहीं थी तो सुबह सुबह बाबा के दरबार पे मत्था टेक निकलते हैं। हर हर महादेव। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी मॉर्निंग के 8:05 हो गई और मेरे को आज ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का सफर करना है और कोशिश करनी है कि 4 या 5 बजे से पहले मैं घर पहुंच पाऊं। एंड मेरी फैमिली आगे कहीं निकल रही है, मैं मेरे डॉग लूसीफर के साथ रहूंगा। देखो ऊपर से कैसे पानी आ रहा है गाड़ी में से, टेंट लगा हुआ है उसके नीचे शायद पानी चला गया है और मैं अभी ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, जस्ट आप देख पा रहे होंगे। एंड नीचे के साइड में से बह रही है यहाँ से रावी नदी जो दोनों की सीमा बांटती है, एक तरफ पंजाब और एक तरफ J&K। ये देखो पंजाब पुलिस के बैरिकेड आ गए हैं, यानी कि हम पंजाब में एंट्री ले चुके हैं जनाब, यहाँ से हमारी पंजाब की सीमा शुरू हो गई है। नजारा यार सुबह सुबह का, हमारा स्वागत हुआ है बारिश के साथ में और पंजाब में एंट्री ले चुका हूँ मैं। पंजाब की मॉर्निंग देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब बारिश के बाद में यहाँ की ग्रीनरी और ज्यादा ग्रीन लग रही है। अमेरिका का स्टोर मिला जिससे 2 ले लिए खीर, ये स्टोर था। अभी आगे चल के अमृतसर आने वाला है, तो अमृतसर तो मैं नहीं रुकूंगा, बाईपास से निकलेंगे क्योंकि घर थोड़ा जल्दी पहुंचना है आज हमको। पंजाब में आके मुझे यही चीज हर टाइम यही प्रॉब्लम महसूस होती है कि कहां क्या शूट करूं, क्या ब्लॉग बनाऊं। प्लेन रोड कुछ नहीं आएगा रास्ते में, बस ढाबों के अलावा तो इतना मतलब वो कंटेंट नहीं मिलता यार, एज एन क्रिएटर के हिसाब से देखे तो इतना कंटेंट नहीं मिलता है। ये जो आपको दिख रही है इतना बड़ा डैम है वो आगे की तरफ बना हुआ, और ये है सतलज नदी। देखो बहुत ही लंबा ब्रिज है, इस तरफ भी बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है, ये है सतलज रिवर। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के हरी के आता है, हरी के बैराज बोलते हैं, वहां से निकलती है इंदिरा गांधी नहर जो मेरे एरिया में जाती है हरी के बैराज से। शायद मेन रोड से हट गया हूँ, बाकी पता नहीं ये रास्ता है जिससे मैं अभी जा रहा हूँ, इससे मैं पहले भी जा चुका हूँ। स्टोर मिला है जहाँ किन्नू का जूस और अपने फ्रेश किन्नू का जूस निकाल के देगा भाई। एंड थार की हालत बड़ी खराब हो गई यार बारिश के बाद में, तो अब इसको आराम से वॉश वूश करेंगे 2 दिन घर पे, एंड इसके अंदर का सारा सामान निकालेंगे, इसको फिर जयपुर से इसकी चीजें ठीक कराएंगे। यहाँ के नट गिर गए, एंड ऊपर दिखाऊं तो देखो यहाँ के भी नट गिर गए, बहुत जगह के नट गिरे पड़े हैं यार, इसको पूरा खुलवा के सही करवाते हैं एक बार। यानी दूर से चिमनियां दिख जाती है, मतलब कि बठिंडा आ गया है, बठिंडा की चिमनियां। एंड ये लेक है देखो, छोटी सी लेक है लेकिन बहुत बढ़िया लग रही है, चिमनियां क्या शानदार लग रही है, फोगी फोगी एनवायरनमेंट में। ऐसे स्टोर्स लगे हुए हैं, ऐसे आगे और भी लगे हुए वहाँ पे, तो कुछ खाने का देखते हैं। एंड आज थोड़ा स्ट्रीट फूड खाते हैं, कई दिनों के बाद में आज बर्गर खाया, एंड वो भी लोकल जो रहते हैं स्ट्रीट फूड वाले, इनसे बढ़िया बनाया था यार, बड़ा टेस्टी है। तो बहुत भीड़ है यार, एंड ये तो चिमनियां है ही। एंड निकलते हैं हम अभी श्री गंगानगर के लिए। ठंडा के पास और यहाँ से टैंक फुल करवा रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि इसका तो यार डेली का रहता ही है, कल भी शाम को कराया था एंड आज भी डेली रहता है यार, डेली टैंक फुल होता है इसका। 35 दिन में 35 बार किया हमने टैंक फुल। शहर गंगानगर पहुंच गए हैं, तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं घर पे, एंड बाद में आपको दिखाते हैं मैं थोड़ा बहुत कुछ आज ब्लॉग करूंगा घर पे, तो बिकॉज क्योंकि मुझे अब 2 दिन घर रहना है तो घर से ही कंटेंट निकालना पड़ेगा। लुक एट दिस गाइस, मेरी सिटी में एयर डाइनिंग भी आ गई है यार।